थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा बंद घरों में चोरी करने वाले चोरों के गिरोह का किया खुलासा। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का सराहनीय कार्य। थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा बंद घरों में चोरी करने वाले चोरों के गिरोह का खुलासा। कब्जे से अवैध शस्त्र, एक चोरी की कार, 11,500 रुपए नगद व चोरी किए गए सोना चांदी के आभूषण बरामद। दिनांक 17/9/2020 को थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा बंद घरों में चोरी करने वाले अभियुक्तगण सोनू उर्फ करण चाट, आकाश मुकेश को मोरना बस स्टैंड के पास से मैं चोरी के सोने चांदी के आभूषण व एक तमंचा, 315 बोर में दो जिंदा कारतूस, 315 बोर में एक चोरी की सेंट्रो कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त सोनू उर्फ करण चाट पर थाना सूरजपुर में मुकदमा 84/2020 धारा 302-201 भारतीय दंड विधान के में गिरफ्तार पर 25,000 का इनाम घोषित है। अपराध करने का उनका तरीका, अभियुक्त सेक्टरों में सोसाइटी में घूम घूम कर बंद मकानों की रेकी करके बंद मकानों का ताला तोड़कर चोरी करते थे। उक्त अभियुक्तगण द्वारा सेक्टर 52 में दिनांक 27/7/2020 को एक बंद मकान का ताला तोड़कर घर से लैपटॉप, नकदी, ज्वेलरी चोरी की थी। वह अभियुक्तगण द्वारा सेक्टर 52 के एक मकान में दिनांक 25/7/2020 को ताला तोड़कर चोरी की थी। सेक्टर 52 में ही दिनांक 3/8/2020 को एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की गई थी, जिसमें सोने चांदी के गहने नकदी चोरी कर ले गए थे। ये थी ब्यूरो रिपोर्ट, गौतम बुद्ध नगर। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में प्लांट में एक ही रात्रि में दो चोरी लगातार हो गई थी। इसके अलावा भी उसी सेक्टर में एक और बार पहले चोरी हुई थी। इसमें हम लोगों का टीम सीसीटीवी फुटेज जो सोसाइटी में लगे हुए थे वो सब एनालाइज किया, फिर रास्ते में क्या क्या सीसीटीवी फुटेज वो सब एनालाइज किया। एनालाइज करने में कुछ क्लू मिल गया था। क्लू मिलने में ये पता चल गया कि एक लड़का बादलपुर का रहने वाला है, वो उसी सोसाइटी के आसपास पूरा दूध वगैरह बेचता था, वो रेकी करता था। तो उनको हम लोग तलाश कर रहे थे, तो इनका साथ ही और दो लोग भी प्रकाश में आ गया फिर पूछताछ में। तो ये जो मेन मुलजिम है करण जाट, ये एक असम की लड़की से शादी करके वो असम भाग गया था। तो जब ये तीनों जितने चोरी किए गए थे जो वो सब सामान बेचने के लिए प्लान बना के इकट्ठा हुए थे, तब मुखबिर के द्वारा हमको सूचना मिल गई थी। तो पूरा टीम जाके इन लोगों को दौड़ाया, उसमें ये करण जाट जो मुख्य अभियुक्त है वो भागने के समय कूद गया था, उस समय उनको पैर में चोट भी है। इन लोगों का कब्जे से अभी 84 ग्राम लगभग पीली धातु, सोना और पायल, 6 महंगे महंगे वॉचेस सब मिला है। इन लोगों का और पूछताछ किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ ये लोग नोएडा में फ्लैट में कहाँ कहाँ चोरी करते हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये बंद घर में ये लोग पहले जो दूध बेचता था वो रेकी करता था, रेकी करने के बाद ये खुद शामिल होता है उस चोरी करने के लोगों के गैंग में, और मौके पाते ही ये लोग ताला तोड़ के पूरा चोरी करके चले जाते थे। नहीं, ये तो जब दूध बांटने आता था उस समय इनको पता चल रहा है कि कौन लोग छुट्टी कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इस तरह के उनको पता चल रहा था। तो पूछताछ में यही बताया कि मैं सामान्य रूप से मैं आता जाता था, इसलिए मेरे ऊपर कोई शक नहीं करता था। तो जब हम लोग इनको पकड़ने गए थे तब ये पूरा कहानी खुल गई थी कि ये रखी करके पूरा इन चोर को गैंग के साथ ये भी आता था।